Today we are going to deal with unit 1. Unit 1 is your introduction. ठीक है? We are going to deal with introduction. Introduction to what? Introduction to building construction. ठीक है? So, this is the historical development. ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि मुझे तुम्हें कुछ समझाना था. इनिशियली जब हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, ठीक है, दिस इज फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड. ठीक है, इनिशियली वी लिव इंडिविजुअली, मतलब इनको क्या बोलेंगे, हमारे जो पूर्वज थे. ठीक है, देन वी स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, देन दीज ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज converted into societies and this society gets converted into civilization. ठीक है, initially जो हमें घर की जरूरत होती थी या किसी building की जरूरत होती थी, that we required only for what? Only for shelter. This shelter saves us, मतलब हमें बचाता था from what? From rain, from fire, from animals. ठीक है, स्लोली स्लोली हम आगे बढ़े एंड टूडे एज वी आर सिविलाइज, मतलब हम लोग अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, तो विद सिविलाइजेशन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, लाइक वी हैव हाउसेस फॉर लिविंग. ठीक है, रहने के लिए सबके पास घर है ना, हॉस्पिटल फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स फॉर एजुकेशन. ठीक है, we have offices, we have clubs, we have ashrams for different different purposes, we have different different sets of buildings. ठीक है, initially किससे start किया, we only have the shelter. Shelter is provided for whom? To save us from rain, fire, animal. But with the civilization as we proceed, ठीक है, जैसे जैसे develop हुए, जैसे जैसे evolve हुए, ठीक है, this process is evolution. As we have started our journey from ape to human, ठीक है, तो with this our needs get increased, हमारी जरूरतें बढ़ती गई, तो with that need we start to build home, hospital, schools, offices, industries, ठीक है, different different structure we have constructed. So firstly we will discuss what is building. अब as such तो सब जानते हैं कि buildings क्या होती हैं, but what a building is in terms of a civil engineer. Now if we talk about civil engineering, तो किस चीज को हम एक building कहेंगे, ठीक है? तो building is defined as a structure consisting of various components. What are these components? These components are foundation, walls, columns, beams, roofs, floors and doors. ठीक है, there are other components also, but some of them I have mentioned here. ठीक है, अब जितनी भी buildings हैं, they are paired keeping in mind the building bylaws. ठीक है, इनको हम prepare करते हैं इस चीज को ध्यान में रख के कि बिल्डिंग बाई लॉज हमसे क्या कहते हैं, कि हमारी बिल्डिंग में इतना एरिया रूम के लिए होना चाहिए, इस पूरी लैंड पे हमें इतना एरिया ही कंस्ट्रक्ट करना है, तो दीज आर प्रोवाइडेड अस बाय सम लॉज. उनको भी थोड़ा बहुत, मतलब डीप में तो कुछ नहीं स्टडी करेंगे, बट थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि किस लॉ को हम फॉलो करते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर इज. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी. ठीक है, बिल्डिंग्स जो है वो डिवाइड होती है
डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, जैसे वी कैन डिवाइड द बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बट वॉट इन इन योर सिलेबस इज यू हैव टू डील विद द बिल्डिंग क्लासिफिकेशन ओनली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी. Wait, someone is asking to show the previous slide. I will provide the slide. You can write from there. ठीक है, अभी के लिए just take the screenshot. ठीक है, based on occupancy. Occupancy means for what purpose we are using it. ठीक है, उसके बेस पे हम डिवीजन ऑफ बिल्डिंग्स पढ़ेंगे एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स, एज पर एनबीसी. ठीक है, एनबीसी ने कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, उसके बेसिस एनबीसी के प्रोविजन भी देखेंगे. बट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, जो हमें नेशनल बिल्डिंग कोड ने दे रखे हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग्स, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन डिवाइड्स इनटू 9 टाइप्स. ठीक है, डिवाइड्स इनटू 9 टाइप्स. दीज 9 टाइप्स आर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, एफ, जी, एच, आई. ठीक है, दीज आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, residential building, educational building, institutional building, assembly building, business building, mercantile building, ठीक है, industrial building, storage building and the hazardous building. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. These are the 9 types of building based on what? Based on occupancy. Occupancy के basis पे ये 9 types की building है. ठीक है, so first is group A, which is residential building. ठीक है, as per NBC, NBC is National Building Code. Building which are used for normal residential purposes, मतलब normal resident रहने के लिए जो हम buildings use करते हैं, they are called residential building. They must be provided with sleeping accommodation and with or without cooking or dining facilities or both. मतलब इनमें sleeping accommodation तो होना चाहिए, sleeping accommodation is must, but cooking facility and dining facility is not must. मतलब मर्जी है, provide भी कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अब इनको भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, लॉगिंग और रूमिंग हाउसेस. बेसिकली ये क्या होते हैं, जैसे कभी तुमने फ्लैट्स वगैरह लिए होंगे या रूम्स लेते हो, तो उसमें मान के चलो 4 रूम है. ठीक है, तो इंडिविजुअली तुम ले लेते हो. ठीक है, तो जो कि 4 या 4 से ज्यादा पर्सन को अकोमोडेट कर ले, ठीक है, उनको बोलते हैं लॉगिंग और रूमिंग हाउसेस. ठीक है, वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स. ड्वेलिंग क्या होता है, आवास, आवास घर भाई. ठीक है, डॉर्माइटरीज, डॉर्माइटरीज क्या होते हैं, हॉस्टल्स, अपार्टमेंट हाउसेस एंड होटल्स. सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल बिल्डिंग, लाइक योर PIT. ठीक है, अब एजुकेशनल बिल्डिंग आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर स्कूल और कॉलेज दैट इज रिकॉग्नाइज बाई एप्रोप्रिएट बोर्ड और यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. लाइक योर PIT इज रिकॉग्नाइज बाई AICTE. दिस इज अ बोर्ड विच गिव रिकॉग्निशन टू एनी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो एजुकेशनल बिल्डिंग है. ठीक है, इट सेल ऑल्सो इंक्लूड क्वार्टर्स फॉर एसेंशियल स्टाफ रिक्वायर्ड टू रिसाइड इन द प्रमाइसिस एंड बिल्डिंग यूज्ड एज अ हॉस्टल.
ठीक है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें हॉस्टल भी होना चाहिए एंड जो एसेंशियल स्टाफ है उसके लिए क्वार्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में एक चीज याद रखना, दिस ग्रुप इंक्लूड्स बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड ट्रस्ट। ठीक है, दीज ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड बाई आइदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड यूज फॉर मेडिकल पर्पजेज। ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको हम मेडिकल पर्पजेज के लिए भी यूज करते हैं। अब इनमें क्या आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, कस्टोडियन इंस्टीट्यूशन। कस्टोडियन इंस्टीट्यूशन हम किसके लिए क्रिएट करते हैं, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एजेस होम्स, इन सब के लिए। एंड द लास्ट वन इज पेनल इंस्टीट्यूशन लाइक जेल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स। इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं दे कम अंडर इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल। ये जो सारी आती हैं ये इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग्स आर क्रिएटेड फॉर अम्यूजमेंट, रिक्रिएशन। मतलब जहां सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पहले चीजों को समझो, जहां हम असेंबल हो सके, उस तरीके की जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, ठीक है, उनको बोलेंगे असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम होते हैं, जिम्स होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं। ठीक है, दे कम्स अंडर असेंबली बिल्डिंग। नेक्स्ट इज बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग कौन सी होती है, जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, दे आर कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग आर यूज फॉर एडिटोरियल प्रिपरेशन, मशीन कैलकुलेशन, कीपिंग ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स। जहां लोगों के रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है, उन बिल्डिंग्स को पर्टिकुलरली हम बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। नेक्स्ट इज मर्केंटाइल बिल्डिंग। मर्केंटाइल बिल्डिंग इज सिंपल, जहां शॉप्स मार्केट वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं मर्केंटाइल बिल्डिंग। ठीक है, एक चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग्स आप पढ़ोगे दे कैन आइदर बी अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ। और अ पार्ट ऑफ से कहने का मेरा क्या मतलब है, सपोज ये कोई कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज है, इसमें ये बिल्डिंग है विच इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। ठीक है, सेकेंड बिल्डिंग है, यहां मान के चलो तुम्हारा ऑडिटोरियम बना हुआ है, ऑडिटोरियम इज यूज फॉर बोथ, फॉर वो फॉर वॉट यू कैन असेंबल हेयर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेस। सो या तो इट कैन बी कंप्लीटली, मान के चलो यहां कहीं तुम्हारा हॉस्टल है, ठीक है, इस प्रिमाइसिस से बाहर, तो इस पूरे हॉस्टल को तुम क्या बोलोगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, बट यदि हम कॉलेज प्रिमाइसिस की बात करें, पूसा का ही केस ले लो, तो ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग नंबर वन, इसी बिल्डिंग को केवल हम बोलेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ओ सॉरी एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक है, ये जो दूसरी बिल्डिंग हो गई ये असेंबली बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इट कैन आइदर बी अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ, मतलब उस पूरे प्रमाइसिस का एक पार्ट हो सकता है या वो पूरी कंप्लीट हो सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग किस लिए यूज होती है, फॉर असेंबली प्लांट्स। मतलब मान के चलो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, सपोज करो कोई कार है, ठीक है, होंडा की कोई कार है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे और वो असेंबल होंगे जिस बिल्डिंग के अंदर, उसको इंडस्ट्री बिल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, फॉर रिफाइनरीज। रिफाइनरीज में क्या होता है, क्रूड सब्सटेंस आता है, सपोज करो पेट्रोलियम आया, ठीक है, और उससे जितने भी कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा डेट विल टेक प्लेस इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, दे आर यूज फॉर फैब्रिकेशन पर्पस, फॉर असेंबलिंग पर्पस और फॉर प्रोसेसिंग पर्पस। आइदर वी विल फैब्रिकेट देयर, मतलब मान के चलो कॉटन आया, कॉटन की क्लॉथ बनाने, तो उसमें फैब्रिकेशन का काम हो रहा है। ठीक है, असेंबली पर्पस अभी बताया, जैसे होंडा की कोई कार है, उसके पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट असेंबल करना। रिफाइनरीज इज कम्स अंडर प्रोसेस, मतलब उसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है किसी चीज की। ठीक है,
जैसे सीड्स होते हैं, सीड से ऑयल का कन्वर्जन होता है, वो प्रोसेस हो रही है, दैट इट इज कॉल्ड प्रोसेस पर्पस लाइक रिफाइनरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोरेज बिल्डिंग। देर आर टू काइंड ऑफ बिल्डिंग, स्टोरेज एंड हजार्डस। स्टोरेज बिल्डिंग डोंट स्टोर द हजार्डस सब्सटेंस। डोंट मतलब कि दे आर यूज फॉर स्टोरिंग एवरीथिंग बट दे विल नॉट स्टोर द हजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, अब स्टोरिंग में जैसे तुम्हारे वेयर हाउसेज होते हैं, सेल्टर ऑफ गुड्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज सुने होंगे तुमने, गांव वगैरह में होते हैं। ठीक है, वेयर हाउसेज हुए, किसी ने अपना वेयर हाउस बना रखा है, वेयर हाउस मतलब दिस इज जस्ट लाइक द गोडाउन, जो तुम नॉर्मली जो टर्मिनोलॉजी समझते हो ना, गोडाउन वगैरह जो होते हैं वो है ये स्टोरेज बिल्डिंग। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हजार्डस बिल्डिंग। हजार्डस बिल्डिंग जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं जिनमें रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, या कोई गैस है विच इज केप्ट एट हाई प्रेशर। ठीक है, दे आर कम अंडर हजार्डस बिल्डिंग। नहीं, बैंक नहीं आएंगे बेटा इसमें, स्टोरेज में क्यों आएंगे बैंक, ऑफिशियल वर्क हो रहा है ना, बिजनेस बिल्डिंग्स में आएंगे वो, दैट विल कम अंडर बिजनेस बिल्डिंग्स। तो दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलपीजी स्टोरेज विल कम अंडर हजार्डस बिल्डिंग। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर डाउट्स। यहां तक ये हो गई टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, डिविजन ऑफ बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। केमिकल सब्सटेंसेस भी उसी में आएंगे, पूछो बेटा जिसमें भी जो डाउट है वो पूछो। देखो जो मॉल्स है ना, मॉल्स के कुछ कंपोनेंट, सम ऑफ द कंपोनेंट्स लाइक जो शॉप्स वाला कंपोनेंट है वो आएगा मर्केंटाइल बिल्डिंग में, और जो सिनेमा हॉल वाला कंपोनेंट है वो आएगा असेंबली और रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स में। बेटा ये हाँ ठीक है, सागर सही है, केमिस्ट्री लैब हजार्डस में आएगा, सही है। Any other doubt? Mercantile buildings are those buildings which are used for shops. Shops market for display and sales, either sales for wholesale or retail goods. ये wholesale, retail ये सब तो तुम समझते ही होगे, ठीक है? What you have to do, मतलब मैंने जितना शॉर्ट में लिखा है उतना शॉर्ट में ही तुम्हें याद रखना है। तुम चाहो तो इनके रिगार्डिंग मतलब इवन ऑन एजुकेशनल बिल्डिंग यू कैन राइट अ बुक, ठीक है, बट जितना शॉर्ट में रखोगे, क्योंकि कहीं भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर बीटी एग्जामिनेशन, सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें 9 पॉइंट्स के बारे में लिखना है, तो जितना शॉर्ट रखोगे, मान के चलो 150-200 वर्ड्स में लिखना है, तो जितना शॉर्ट रखोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो डिवाइड होती हैं, वो डिवाइड होती हैं लॉगिंग और रूमिंग हाउसेस, ठीक है, वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, मतलब जहां भी तुम्हें रहने का कुछ लगे ना, जहां हम रह सकते हैं, उस बिल्डिंग को तुम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेज आर जस्ट लाइक कि एक फ्लैट है, उसको तुम चार लोगों ने डिवाइड कर लिया, ठीक है, जस्ट लाइक रूम, एक सिंगल रूम मिल गया तुम्हें, उस तरीके से। वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग मतलब जैसे घर होते हैं तुम्हारे। डॉर्मेटरीज लाइक हॉस्टल्स, ठीक है, अपार्टमेंट हाउसेज ये तो तुम जानते ही हो, होटल्स ये भी तुम जानते हो, ठीक है। आज ही वेस्ट नहीं आएगा,
लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक नाउ। हो गए बस डाउट, किसको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो वो बाद में पूछ लेना। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जब भी तुम्हारे दिमाग में आए उसको कोरिलेट करना हॉस्पिटल से, ठीक है। कस्टोडियल गाइडेंस से, जैसे कि कस्टोडियल में क्या है, जैसे ऑर्फनेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सबसे कोरिलेट करना। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। अब इसको समझो बेटा, टूरिस्ट कहीं रिसाइड करेंगे, टूरिस्ट हाउसेस क्या होते हैं, होती तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही आएगा ना। आइदर इट विल बी होटल्स, डॉर्मेराइट्स, कुछ तो होंगे ना, वो रिसोर्ट तो होगा, कुछ तो होगा ना। देखो, अब बिल्डिंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स। कोई भी बिल्डिंग है वो इन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज सब स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट इज सब स्ट्रक्चर? द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है डेट इज फाउंडेशन। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल वॉल्स, रूफ, स्ट्रक्चर। क्या हो गया? केवल एक चीज मुझे बताओ, केवल ये फिगर तुम्हें समझ में आ रही है? टर्मिनोलॉजी छोड़ दो, केवल फिगर फिगर पे ध्यान दो। ठीक है, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इसे भूल जाओ, जो भी लिखा हुआ है केवल फिगर फिगर पे ध्यान दो। ये फिगर समझ में आ रही है? बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ा था तुमने फर्स्ट ईयर में? ठीक देखो, इसी को समझाने के लिए, हाँ सेक्शनल व्यू है, सही बता रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, इसी को समझाने के लिए मैंने ये लगाया है। अब इसको समझना, सेक्शनल व्यू पता है तुम्हें क्या होता है? इस पिक्चर को ऐसे काटो, ठीक है, और ऐसे काटो यहां से। ये तो वन स्टोरी है, सपोज ये टू टू थ्री स्टोरी होती, फिर इसको अज्यूम करो तो तुम्हें ये व्यू मिलेगा। ठीक है, फिर उसको अज्यूम करो तो तुम्हें ये व्यू मिलेगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है या नहीं? ठीक है, ठीक है। देखो, दिस इज योर फाउंडेशन, दिस इज योर फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन कम्स अंडर सब स्ट्रक्चर। बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो दिस कंपोनेंट इज योर सब स्ट्रक्चर एंड द अपर कंपोनेंट इज योर सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर बिलो दिस इज नोन एज सब स्ट्रक्चर। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके केवल अभी के लिए तुम नाम याद रखना। ये कंपोनेंट ऑलमोस्ट 80% ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल गेट क्लियर। कंपोनेंट से मेरे कहने का मतलब है लाइक फाउंडेशन, हॉरिजॉन्टल डीपीसी, ग्राउंड फ्लोर, जैम, लिंटल, कोरबेल, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, लिंटल, सनशेड, विंडो फ्रेम, सिल, स्ट्रिंग कोर्स, फ्रीज, कॉर्निस, ब्लॉकिंग कोर्स, थ्रोटिंग, कोपिंग, पारपेट, फ्लोर रूफ। ठीक है, 80% ऑफ दीज कंपोनेंट विल गेट क्लियर जब तक कि ये यूनिट कंप्लीट होती है। फिर भी कोई कंपोनेंट रह जाएगा तो मैं बता दूंगा कि ये कंपोनेंट तुम्हारे रह गए हैं, वो उन रेस्पेक्टिव यूनिट्स में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें तुम्हें आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें आगे पढ़ने में भी थोड़ी हेल्प हो। जैसे कि ये स्टार्टिंग विद दिस, दिस इज योर फाउंडेशन। ठीक है, लीन कॉन्क्रीट वगैरह क्या है ये सब छोड़ दो। ठीक है, दिस इज योर डीपीसी लेयर विच प्रिवेंट द बिल्डिंग फ्रॉम मॉइस्चर और डैम्पनेस। ठीक है, दिस इज योर फ्लोर विच इज ग्राउंड फ्लोर,
ठीक है, दिस फ्लोर लेवल विच इज प्रोवाइड एट ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लिंथ, वी कॉल इट एज प्लिंथ, ठीक है. दिस इज योर वॉल, वॉल के ऊपर, वॉल के नीचे सॉरी, ये लिंटल है, मैंने बताया था किसी भी ओपनिंग पे जो कंपोनेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं लिंटल. लिंटल के नीचे क्योंकि ये ओपनिंग है, ये जो है ये डोर है, ये जो जैम लिखा हुआ है, ये डोर फ्रेम रिवील, ये डोर के कंपोनेंट हैं. जब डोर्स पड़ेंगे उसमें पड़ेंगे इन सबको, ठीक है. इसके बाद ये सनसेट, सनसेट इज प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिंग द हाउस फ्रॉम प्रिवेंटिंग द सॉरी दिस विंडो और डोर फ्रॉम सन और रेन, ठीक है. दिस इज योर स्ट्रिंग कोर्स, स्ट्रिंग कोर्स भी सेम काम करती है ऑलमोस्ट, बाकी स्ट्रिंग कोर्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं फॉर एस्थेटिक अपीयरेंस. अभी समझाऊंगा एस्थेटिक क्या होता है. सेम फंक्शन विद कोरबेल, कोरबेल भी हम एस्थेटिक के लिए प्रोवाइड करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, मतलब कि हमने एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया. दिस इज अगेन योर वॉल, ठीक है. दिस इज योर सिल, सिल प्रोवाइड करते हैं हम हमेशा विंडो के नीचे, ठीक है. दिस इज योर विंडो फ्रेम, फिर इसके ऊपर ओपनिंग है क्योंकि लिंटल प्रोवाइड किया है. इस विंडो फ्रेम और विंडो को प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोवाइड की है सनसेट. इसके ऊपर है फिर अगेन वॉल, ठीक है. दिस इज कॉर्बेल फॉर डेकोरेशन पर्पसेस. इन दोनों में कॉर्बेल स्ट्रिंग कोर्स वगैरह में डिफरेंस क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, ठीक है. दिस इज योर सेकंड फ्लोर स्लैब, फिर अगेन ये वॉल कंटिन्यू हो रही है. दिस इज द साइन फॉर कंटिन्यूएशन, तो मैं इसको डिलीट करके समझाता हूँ. ये जो साइन है और ये जो साइन है, ये दोनों साइन है कंटिन्यूएशन के, ठीक है. दिस इज फ्रीज एंड ब्लॉक कोर्स, फ्रीज एंड ब्लॉकिंग कोर्स जो है वो इसको हेल्ड करने के लिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है. दिस इज योर रूफ स्लैब, दिस इज योर पार्पेट वॉल एंड दिस इज योर कोपिंग. प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर है यशपाल, प्लिंथ इज सुपर स्ट्रक्चर. डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम डैम्पनेस. और पूछो और कोई टर्म जो समझ में ना आई हो. अभी के लिए याद रखो अभी आएगा पार्पेट कौन सब आएगा, अभी वेट करो. ठीक है, सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद फाउंडेशन. सबसे नीचे फाउंडेशन, फाउंडेशन इज व्हाट, इट इज द सबस्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सबसॉइल. सबसॉइल के जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच ट्रांसमिट ऑल बिल्डिंग लोड टू सबसॉइल, ठीक है. जो सारे बिल्डिंग लोड को सबसॉइल में ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं फाउंडेशन. द मेन फंक्शन ऑफ फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू सॉइल. याद रखना ये, सपोज करो फाउंडेशन है तुम्हारी, ठीक है. फाउंडेशन पे क्या होगा, ऊपर से लोड आया, ठीक है. इस लोड को जो सॉइल में ट्रांसमिट करता है वो ट्रांसमिट करता है फाउंडेशन, ठीक है. सो द वर्क ऑफ फाउंडेशन और द फंक्शन जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था वो क्या है, टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू सॉइल, ठीक है. एक तरीके से मीडियम का काम करता है. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लिंथ, अब समझना इसको प्लिंथ को. द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड द टॉप फ्लोर लेवल, ठीक है, इमीडिएटली अबव द ग्राउंड इज नोन एज प्लिंथ, ठीक है. अब तुमने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल, ठीक है. मार्क भी हो रहा है, ठीक है. ये पूरा तुम्हारा प्लिंथ लेवल है, ये तुम्हारा इनर व्यू है एक तरीके से, मतलब अंदर का है, ठीक है. दिस इज फ्रॉम आउटसाइड, बेटा कंक्रीट का,
फाउंडेशन इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट। अब रेशियोज क्या क्या होते हैं वो फाउंडेशन में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है तुम्हारा प्लिंथ लेवल, ठीक है। इट इज कैप्ड एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ये है तुम्हारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल, पहले मेरी बात सुनो ढंग से, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, इसके नीचे सब स्ट्रक्चर, इससे ऊपर तुम कुछ भी बनाओगे डेट इज इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ व्हाई वी कैप्ट द प्लिंथ हाइट एट सम हाइट, मतलब कि ये जो प्लिंथ है कैन आई प्रोवाइड दिस ऑन दिस लेवल और नॉट, मतलब कि मैं इसको ग्राउंड लेवल पे दे सकता हूँ या नहीं प्लिंथ को, पहले तो ये बताओ। कैन वी प्रोवाइड प्लिंथ एट ग्राउंड लेवल, पहले प्लिंथ समझ में आया? बढ़िया देवदत्त, देवदत्त वाटर लॉगिंग कोई आंसर नहीं है वैसे, बट ऑलमोस्ट सही है, एक्यूरेट हो थोड़े। अब रीजन बताओ क्यों नहीं दे सकते। अवॉइड ऑल लोड ऑन फाउंडेशन, ये क्या रीजन है? हाँ यस ने बोला टू प्रिवेंट, हाँ ये वाला सही है, पार्थ गौतम गुप्ता सॉरी प्रथम गुप्ता ने जो बताया ये सही है। एग्जैक्ट आंसर इज दिस, टू प्रिवेंट द वॉटर टू गेट एंटर इनटू योर होम, ठीक है। पानी को तुम्हारे घर में घुसने से बचाने के लिए दिस, याद रखना इसको, दिस प्लिंथ लेवल इज कैप्ड एट अ हाइट ऑफ 450 mm, ठीक है। दिस प्लिंथ लेवल इज प्रोवाइडेड एट अ हाइट ऑफ 450 mm टू प्रिवेंट द वॉटर टू एंटर इनटू योर होम, ठीक है। देखो द वॉटर तुमने बोला वो कहाँ गया, तुमने बोला वाटर लॉगिंग, डू यू नो व्हाट इज वाटर लॉगिंग? यशवंत जो तुम यशवंत भेज रहे हो, दिस इज द फंक्शन ऑफ डीपीसी नॉट द प्लिंथ लेवल। हाँ 450 mm से ज्यादा हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इज वाटर लॉगिंग, ठीक है। ज्ञानवी ने सही आंसर दिया है। अब वाटर लॉगिंग की कंडीशन तो इसमें भी बन सकती है ना, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ प्लिंथ एट अ हाइट ऑफ 450 mm, तो यहाँ होगा क्या, बेसिकली यहाँ होगा क्या, वाटर लॉग ही तो करता है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन, हो क्या रहा है दिल्ली में, वाटर लॉगिंग हो रही है नहीं हो रही है? सो प्लिंथ का फंक्शन वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना हुआ, इज इट प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग, तो इसका मतलब तो कहीं पानी रोकना ही नहीं चाहिए था भाई। एवरी वन इज प्रोवाइडिंग इज हाउस और कंस्ट्रक्टिंग इज हाउस एट सम प्लिन, मतलब कुछ ऊपर बना रहे हैं जिनके नहीं बने हैं उनको छोड़ के, अभी जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दे आर बिल्डिंग देयर हाउस बाई प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 450 mm ऑफ प्लिन, तो इसका मतलब तो वाटर लॉगिंग होनी नहीं चाहिए थी। कहाँ गए दत्त साहब? बेटा मैं भी घर के ही रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। बहरहाल जो बताया उसको समझो, ठीक है।